मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनूठी मिसाल पेश की गई। जहां अपना अपने को हाथ लगाने से डर रहा है, वहीं अधिकारी जिम्मेदारियों से अपना काम कर रहे हैं। जिसका एक उदाहरण कसरावत से गए तहसीलदार विवेक सोनकर ने एक युवक का अंतिम संस्कार करवा कर मिसाल पेश की है। वहीं क्षेत्र के पार्षद अनवर कादरी ने भी सराहनीय कार्य किया है। उनकी अस्थियां अनवर कादरी ने लेकर विसर्जन के लिए सुरक्षित रखवाई है। इंदौर से संवाददाता की रिपोर्ट। सर, अभी जो आपने जिनका अंतिम संस्कार कराया, क्या है ये पूरा मामला? सर, मुझे यहाँ के क्षेत्र के अनुभागीय अधिकारी महोदय से रिपोर्ट मिली कि अरविंदो हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट ऋषभ पिता अंबरदास निवासी तहसील कुक्षी धार का है, और चूँकि उसके फादर को भी कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर व्यक्ति या परिजन उपस्थित नहीं होना था, और उसका अंतिम संस्कार एज अ प्रोटोकॉल जो कोविड का था उसके अकॉर्डिंग कराया जाना था। तो इसी कार्यक्रम में सूचना मिलने पर मैं यहाँ के वार्ड पार्षद जो अनवर कादरी जी, जो काफ़ी इसमें कोविड में हमको सपोर्ट में काम कर रहे हैं, साथ में मेरी जो टीम है फरहान है और मेरे पटवारी जी हैं संतोष जी, उनके साथ में मैं शमशान घाट पर पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर उनके कोई परिवारजन तो नहीं थे, प्रशासन की तरफ से हम लोग उपस्थित हुए, और वहाँ पर बॉडी आई तो बॉडी को हमने अंतिम संस्कार कराया। फिर उसके बाद अभी देखने में ऐसा आ रहा है सर कि अभी कोई भी मतलब अपना रिश्तेदार एक दूसरे को हाथ लगाने से डर रहा है, ऐसे समय में अधिकारी आगे आकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सर कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये देखो दुखद बात है, इसमें अच्छा लगने की तो चीज़ नहीं है, लेकिन एक पहल करना ज़रूरी था ताकि एक समाज में ये भय दूर हो सके कि डेड बॉडी के अंतिम संस्कार या उसके अस्थि को कलेक्शन करने पर भी जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो जीवटता समाज को और व्यक्तियों को और परिवारजनों को दिखाना चाहिए थी वो ज़रूरी थी, जो इसमें कहीं ना कहीं दिखी कि परिजन नहीं पहुँच सके थे, तो हम लोगों ने उनका मिलकर किया। तो एक हमारे लिए सद्भाविक काम भी था और एक ये सांप्रदायिक जो सद्भावना थी उसको जोड़ने का भी काम था। तो मतलब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज की? चूँकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, समाज को संदेश नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये समय साहस का है और विश्वास का है ना, और भ्रांतियाँ दूर करने का है। देखिए, हम लोग सब लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो हम एक अच्छा काम कर सकेंगे, और इस कोरोना की महामारी से तो जीतेंगे ही सही, हम उन अंधविश्वासों को भी जीत सकेंगे जो हमारे समाज के बीच में बनी हुई है। आपका परिचय? मैं विवेक सोनकर, तहसीलदार, वर्तमान में तहसीलदार कसरावद हूँ, और अभी सदर बाजार थाना क्षेत्र में मुझे पदस्थ किया हुआ है कोरोना की ड्यूटी के लिए। जी, आज आपने अस्थि संचय किया है, वो कौन थे, कहाँ से थे? ये ऋषभ पाटिल थे, उनके पिताजी का नाम था अंबरदास पाटिल, और ये कुछ धार के थे, और कोरोना पॉजिटिव इनको आया था, 21 साल की उम्र थी। और कल हम जब यहाँ थे तो तहसीलदार साहब हमें लेके गए, और आज सुबह जब हम आए तो मैंने इनसे पूछा कि साहब क्या हुआ उसका, तो बोले यार अनवर अपने को चलना है, तो अनवर भाई अपने को चलना है तो मछली लेनी है संचय के लिए, और एक लाल कपड़ा लेना है। फिर हमने हमारे पास में ही कुम्हार है, उनके यहाँ से वो लिया, और फिर वहाँ गए अस्थि संचय किया। रामबाग मुक्ति धाम में जो अस्थि बैंक है वहाँ पर हमने 13 नंबर उनके उसमें रखा लॉकर में, और रजिस्टर में एंट्री साहब ने की, तहसीलदार साहब ने। तहसीलदार साहब का बहुत अच्छा हृदय है, और जो मैं अभी पिछले इतने दिनों से देख रहा हूँ तो इन्होंने मतलब रात को 2:30 बजे तक काम किया। रात को 2:30 बजे एक शबाना बी की डेथ हो गई थी, और किसी रीज़न से वहाँ पर उनको कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहे थे, तो रात को 2:30 बजे तक बैठ के साहब ने पूरी चीज़ को पे नज़र रखी और पूरा काम उस पर कराया, और मैं खुद भी वहाँ गया। तो कुल मिला के बताने का मकसद कि सभी समाजों को जोड़ने का, हमारे यहाँ वार्ड के अंदर और अनवर दस्तक साहब के वार्ड में भी जाकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, घरों में रहें और इस बीमारी को बढ़ने से रोकें, बीमार हो तो आप हमें बताएं, लोगों को भर्ती कराने में प्रशासन की जो मदद हो सकती है वो सारी मदद साथ करा रहे हैं, और हम लोग साथ में जॉइंटली मिल के काम कर रहे हैं। पूरी टीम है, आरई साहब हैं, पटवारी जी हैं, सारे
काफ़ी सारे और पूरी टीम फरहान भाई हैं, तो सब लोग नगर निगम से आईडीए से नफीस खान साहब हैं, तो सारी टीम मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। एसडीएम साहब राकेश शर्मा जी का हमेशा साथ रहता है, एडीएम साहब दिनेश जैन साहब का साथ रहता है, मनीष सिंह साहब का साथ रहता है, जब कोई परेशानी आती है वो पूरी मदद करते हैं। इंडेक्स कॉलेज में, इंडेक्स हॉस्पिटल में जब हमारे यहाँ से पेशेंट गए करीब 30 के करीब एक साथ, और उसके बाद 5-7-10 ऐसे करके 40-45 हमारे यहाँ के पेशेंट गए, उन्होंने जब कंप्लेंट की तो कलेक्टर साहब ने उसको संज्ञान में लिया और वहाँ के मालिक को उसके बारे में बताया, और तहसीलदार साहब और हम ही साथ में जा रहे थे, पर कुछ काम आ गया तो साहब रुक गए, फिर साहब के गाइडेंस में, तहसीलदार साहब के गाइडेंस में, एसडीएम साहब के गाइडेंस में हमने पूरे काम को किया। अभी भी हमारी यही प्लानिंग है कि अभी हम जाके इंडेक्स हॉस्पिटल के लिए हमने पेशेंटों के लिए सामान लिया है और वो अभी सामान जाके हमें उनको देना है जी। अभी अपन जो बात सामाजिक जो एक सद्भावना का जो एक काम चल रहा है, ये देश में एक तरह के कहीं ना कहीं एक दरार डालने की, फूट डालने की जो साजिशें हो रही हैं, तो उसको तोड़ने का काम साहब ने किया है और हमने किया है। हम सब लोग मिलकर जॉइंटली चाहते हैं कि हम पहले भारतीय बने, बाद में हमारे मजहब हों, बाद में हमारे धर्म हों, और हमारा देश जब शांति से एक दूसरे से मिलजुल के रहेगा तो ही देश तरक्की कर पाएगा और देश आगे बढ़ेगा। आज इस बीमारी से हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर आपस में साथ रह के एकजुट होकर लड़ेंगे तो इस बीमारी को हरा पाएंगे। यही संदेश है मेरा सब लोगों को। आपका परिचय? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पूर्व पार्षद अनवर कादरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।